अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं एज बाइक्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन बजा दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्ट्रा बाइक के लिए कौन सा कार्बोरेटर बेस्ट है और जेन्युइन बाइक के लिए कौन सा कार्बोरेटर बेस्ट है। तो देख सकते हैं हमारे पास दो कार्बोरेटर मौजूद है, एक PZ30 का और एक PZ22 का। ठीक है व्यूअर्स, तो हम बात करते हैं जी PZ30 की, जो एक 250 रिक्शे का कार्बोरेटर है साजगार का। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये आपको अगर आपने न्यू लेना है तो आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स रिक्शे वाली शॉप पे चले जाएं, उन्हें बोलें PZ30 का साजगार का कार्बोरेटर चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये कम से कम 2500 3000 रुपये की रेंज में आपको वहाँ से मिलेगा, जेन्युइन कार्बोरेटर न्यू एशिया का। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा कंपनी है लेकिन न्यू एशिया के लें आप, अगर लेना भी है आपने तो बात कर कि ये कार्बोरेटर जेन्युइन बाइक पे चलेगा भी सही कि नहीं चलेगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये कार्बोरेटर जो है आपकी जेन्युइन बाइक पे नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कार्बोरेटर है ये वाला। ठीक है, PZ30 का है। तो वैसे हम बाइक का कार्बोरेटर PZ19 का होता है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये कार्बोरेटर सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की टोटे पर चलने वाला है। अल्ट्रा बाइक के लिए है ये कार्बोरेटर, यानी कि आपकी बाइक में पिस्टन चिंची का है, वनटन का है, स्प्लिंटर का है, तो ही कार्बोरेटर ये वाला उस पर वर्क करेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी गाड़ी ऑयल उठा सकती है। ठीक है व्यूवर्स, और कोई चीज़ तोड़ भी सकती है। ठीक है व्यूवर्स, तो अब बात कर लेते हैं हम छोटे कार्बोरेटर की, PZ22 की। तो इसका बताते हैं बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। तो देख सकते हैं जी, ये है हमारे पास मौजूद है PZ22 का कार्बोरेटर। अब हम बता देते हैं आपको ये किस तरह फ़ायदा देगा आपको और किस तरह नुकसान देगा। तो वैसे देखा जाए तो नुकसान तो इसमें कोई भी नहीं है PZ22 के कार्बोरेटर में। ये 1:5 कार्बोरेटर की निस्बत अच्छा है कार्बोरेटर PZ22 का। अगर आपकी बाइक जेन्युइन है, लॉन्ग के लिए है, जैसे 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तब इस कार्बोरेटर को कोई टेंशन के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो आप इस कार्बोरेटर को ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है व्यूवर्स, तो मेरे जहाँ तक अंदाज़ा काम करता है और तजर्बा काम करता है, इन दोनों की निस्बत आपको कार्बोरेटर PZ22 वाला ही बेहतर है PZ30 की निस्बत। ठीक है, अगर आपकी बाइक का कार्बोरेटर जेन्युइन लगा हुआ है, अगर आपका बाइक स्पीड नहीं दे रहा, भाग रहा नहीं है, तो आप PZ22 का कार्बोरेटर यूज़ करें। ठीक है व्यूवर्स, तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।